मेरा नाम कवलजीत कौर। कवलजीत कौर, हाँ जी। सवाल फिर मैं जिवें मैं खुद गुरमत दे लेक्चर्स बीबियां नाल सांझ पाती रहनी हाँ, तो बहुत सारे सवाल आते हैं, पर मैं उही लग रहा हूँ जो तो मैं सवाल पूछा ना, वी जी ने कहना अपनी सहेली का नाम लैके कह रहे हैं, इन्हों का ही होना। सो एक बड़ा कॉमनली सवाल मेरे तक आता कि जिवें मेरिया भैनों के अंदर पेशेंस लैवल बहुत होंगे है ना, पर बहुत बार होंगे कि इन्ना सह सह के वो जदों अगों कोई गल ही नहीं कर दिया, कुछ कहदियाँ ही नहीं, तो वो कई बार इदा का केस बन जाता कि आप बीमार हो जाती हैं, डिप्रेशन चले जाती हैं। सो उत्थे उन्होंने की करन दी लोड़ है? देखो एक तो तरीका है कि अपनी कोई सहेलियां नू पुछ देने, अपने कोई किट्टी ग्रुप नू पुछ दिया ने, वो जरूरी नहीं है कि सही मैसेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। पर जदों असी खुद बाणी पढ़ के अपने माइंड नू एलीवेट करांगे ना, ता सानू हिरदे नाम सायो कर बैठे गुरु त्यायो सानू सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम दा हल गुरबाणी ने दस्या होया कि नहीं दस्या, पर गुरबाणी मैनू इतनी विवेक बुद्धि दे देगी कि उस मेरी हालात जेड़े मेरे हालात ने वो मेरे हालातों में उन्हों किवें डील करना, वो विवेक बुद्धि मैनू प्राप्त हो जाएगी। इस करके तुसी जिहड़ियां तुहानूं सवाल पुछदियां उन्हां नूं बेनती करिया करो कि तुसी इस तरह पक्या पकाया केक पक्या पकाया फास्ट फूड लैण नाल तुहाडी गल नहीं बनेगी, एक प्रॉब्लम खत्म होएगी, दूजी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर तुसी पुछन ना होके इस नालों चंगा है कि आप विचार करना सीखो, दूर अंदेशी करना सीखो और दुनिया नूं फॉलो ना करो। सब दी लाइफ सेम नहीं है ना, इस करके होर बीबियां नूं फॉलो ना करो। तो कॉमनली एक सवाल सारिया भैनों के मन में आता है कि मैं ही क्यों बर्दाश्त करा, मैं ही हर वेले अपने आप नूं नीवा क्यों पावा, उत्थे की आंसर करन दी लोड़ है? जिसनूं स्पिरिचुअलिटी दा शौक है ना, उहदे मन अंदर ये इच्छा है कि मैनू खुशी खेड़ा आनंद विगास आवे, सो ये चॉइस है कि मैं ही क्यों करा, तो ठीक है अपसैट वाली जीवनी तुसी एक्सैप्ट करन नू तैयार हो तां लड़ाई शुरू होएगी, तां सारा कुछ अपसैट होएगा, लेकिन मौके ते मैनू जे बर्दाश्त करना आंदा है, मैनू जे सबर करना टॉलरेट करना आंदा है, तो ये रब जी ने मैनू शक्ति दित्ती हुई तो मैं ही वरतांगी ना। मैनू भुलेखा लग रहा कि मैं घर दी माँ हाँ पत्नी हाँ, तो मैनू ही दबाया जा रहा, लेकिन तैनू पता नहीं है कि तू 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 घर दी बहुत वड्डी थम्मी है। कल ही मेरे नाल एक सज्जन डिस्कस कर रहे सी कि मेरे घर रिश्तेदारां दा फ्रेंड्स दा आना रुक गया क्योंकि मेरी वाइफ की डैथ हो गई, घर के बूहे बंद हो जाते हैं, रिश्तेदारी भी आना जाना बंद हो जाता, उन्होंने घर भी किसी इस्त्री का जाना बंद हो जाता, वो किसी भी जगह किसी इस्त्री नाल गल करते हो मुश्किल हो जाता जीना। तेरे तैनू बड़ी वड्डी ड्यूटी सौंपी हुई है, तेरी इनर क्वालिटीज़ के कारण वो ड्यूटी तू खुद एक्सैप्ट की है क्योंकि तू आनंद खेड़ा विगास चाहती हैं, जिहड़ी नहीं चाहती है वो एडजस्ट के बदले प्रोटेस्ट कर सकती है। असी नहीं कह सकते कि तू ही बर्दाश्त कर, यह असी नहीं कह सकते, लेकिन विवेक बुद्धि नाल अपनी शक्ति नूं वरतना तो आ सकता है, तो फिर जे बर्दाश्त करन दी शक्ति है तो यह तो ताकत है, यह फुलिशनेस थोड़ी ना। पेशेंस ते सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों च कितना डिफरेंस है? पेशेंस मेरा गुण है, तो जे सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं डेफिनेशन बना ला कि मेरी अणख है इस करके मैं बर्दाश्त नहीं करना, तो यह मिसयूज हो जाएगा।
मेरी सैल्फ रिस्पैक्ट ये है कि मेरी माँ ने मैं ऐसा दूध पिलाया, मेरी ऐसी ग्रूमिंग की कि मैं खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किता कर सकती हाँ। बच्चों दे टोटे करा के गल हार पाए मैं तावी सच और सिद्दक नाल और दृढ़ता नाल अपनी जीवनी नू दीन ईमान ते रख सकती हाँ। पहला ही असी अज दे प्रोग्राम विच सांझ कीती सी कि पति ने जदों काका सी उन्हें सिखिया नहीं, उन्हें सिखाया नहीं गया, इस करके वो वांझा रह गया इस टॉलरेंस तो, पेशेंस तो, सबर तो, सेवा तो, दूसरियां वास्ते अपना काम करन तो। तुसी कदी नोटिस कीता वेस्टर्न वर्ल्ड दे अंदर ते है, पर अजकल इंडिया फिल्मां च वी दिखाण लग पे ने कि जदों गर्लफ्रेंड दे नाल डेटिंग होंदी है तो पता की करदे ने, उहदा दिल जित्तन वास्ते अपनी ड्राइवर सीट ते बैठन तो पहला उस पासे जाके कार खोलदे ने, उन्हें बिठाते हैं, फिर बड़ा आराम नाल बुआ बंद करते हैं, करते हैं ना, गर्लफ्रेंड है। पर जे ऐ सीख जाए तो अपनी पत्नी का वास्ते भी बुआ खोल सकता है ना, उन्हें सीखा ही नहीं, उन्हें कदे सीखा ही नहीं कि तुहाडी तबीयत खराब है, तुसी भी मंथली दे हिसाब दे नाल शायद कमज़ोर ही होवेगी या अपसैट होवोगे, मूड स्विंग होंदे ने, तो चलो अज मैं उठ के तुहाडे वास्ते चाह बना दिंदा, उन्हें सीखा ही नहीं है। उन्हों बचपन तो हर गल ते माँ ने इतना पैंपर्ड कर दिता, इतना नर्चर कर दिता कि वह अपंग ही हो गया, सीख्या ही नहीं। उदे कोलो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बर्दाश्त करा, यह वाला सेंटेंस सैल्फ रिस्पैक्ट नहीं कहलाता, बल्कि सैल्फ रिस्पैक्ट यह कहलाती है कि मैं पेशेंस टॉलरेंस अनलिमिटिड बेअंत वरत सकती हाँ, क्योंकि यह मेरे को ज्ञान खड़क है। इनू ज्ञान खड़क कहते ने, लोभ लहर सब स्वान हलक है, हलक्यो सब है बिगारे, मेरे ठाकुर के दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़क सब मारे। मेरे अंदर जेड़ा भी नैगेटिव ईवल आंदा है ना, मैं ज्ञान खड़क दे नाल उहदी गर्दन कट दिंदी हाँ। किने दिता ज्ञान खड़क? मेरे अंदर दे रब ने। अंदर दी आवाज़ आई, यह गल गल ते तलाक दी थ्रेटनिंग ना करिया कर, गल बिगड़ जाएगी। इत्थे तक नहीं विगड़ जाएगी, तेरे धियां पुत्रां च भी आ जाएगी वाली आदत, इत्थे तक नहीं विगड़ जाएगी, समाज अंदर यह आदत चली जाएगी निक्की निक्की गल ते तलाक लैण दी। तू इस गल दा गला कट दे, तू शक्ति प्रदर्शन ना कर, शक्ति प्रदर्शन सैल्फ रिस्पैक्ट नहीं है। देखो एक एक बीबी एम ए पढ़ी हुई सी, उहदा पति बी ए पढ़िया होया सी, हुण उहदी सैल्फ रिस्पैक्ट एम ए बन गई। मैं एम ए पढ़ी हुई हूँ, मैंने एम ए डिग्री ली है, और ये बात बात में मेरे को अनपढ़ बोलते हैं, आप तो बी ए पढ़ा हुआ है, देखो ना मम्मी, देखो जीजा जी, देखो बहन जी, देखो मेरे भैया, देखो ना मेरे से ऐसे सहेलियाँ नाल भी गल कर दी, आप बी ए पढ़ा हुआ है, मैं एम ए पढ़ी हुई हूँ। लेकिन सैल्फ रिस्पैक्ट एम ए की डिग्री नहीं है, सैल्फ रिस्पैक्ट है यह तो दुनियावी पढ़ाई है। तुसी जितनी मर्जी वधीकियां करो, मैं बर्दाश्त करन दा मत है। पर कई बार अगू सवाल आंदा है कि मैं जिन्ना बर्दाश्त करी जा रही हाँ, मैनू सिखाया गया मैं बर्दाश्त करना, पर दूजा इंदी इनू मेरी कमजोरी समझ लैंदा है। हाँ, दूजे नू तो सिखाया ही नहीं गया, दूजे दे भांडे च माल ही नहीं है, जिदे कोल है ओही खावे खर्चा रल मिल पाई करेगा ना। पर आज सब्जेक्ट की चल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट की गल चल रही है। असी तो विमेन एम्पावरमेंट की गल कर रहे हैं, असी मर्द नू सिखाने बारे तो गल ही नहीं कर रहे, तो मर्द नू सिखा ही नहीं रहे कि तू ए ना करिया कर। जिहड़ी विमेन नू भुलेखा पै जांदा है कि जे मैं नम्रता मिठास नाल बोलती रहिंदी हाँ, वो टेक इट ग्रांटिड लैंदा, वो सिर ते ही चढ़ जांदा, वो फिर इहदा ना सैल्फ रिस्पैक्ट रख लैंदी है, और वो फिर तू तड़िक ते आ जांदी है, वो बहस करन लग पैंदी है, उहदे बोल उच्चे हो जाते हैं, वो मुंडे नूं और मुंडे की माँ नूं एक्यूज़ करना शुरू कर देंदी है,
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਸਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਸੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਸੌ ਕਾਰਡ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਨੀਡੋ ਬਵੰਡਰ ਵਾਵਰੂਲਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਘਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸੱਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਨੀਡੋ ਦੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹਨ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੰਮੀ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥੰਮੀ ਹੈ, ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਮੈਨ। ਮਰਦ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਡਕੇਡ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਮੈਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ।